जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आपके सबके बीच हमेशा रहने वाले हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष अशोक वाइकोट राव सुरेंद्र जी मंच पर विद्यमान हैं, मैं इन सभी का स्वागत करता हूं, आपकी तरफ से स्वागत करता हूं। ये अपना परिचय, अपनी बात, अपने आपके मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, माता समान मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का और प्यारे बच्चों को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने बीजेपी और जेजेपी से प्रत्याशी मुझे बनाया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और आपसे अपील करती हूँ कि आने वाले 19 तारीख को भारी से भारी मतों से मुझे विजय दिलाइएगा। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप कमल के फूल पे बटन दबाएंगे और मुझे विजय दिलाएंगे तो कैथल में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और वो ट्रिपल इंजन की सरकार कैथल को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा ये होगा कि जो आदेश, जो प्रस्ताव सुबह दिल्ली में घोषित कर दिए जाएंगे वही उनका लाभ शाम से ही कैथल में मिलना शुरू हो जाएगा। यही एक रास्ता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यही एक रास्ता है जिससे हम कैथल को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जा पाएंगे, लेकिन उसमें मुझे आप लोगों का सहयोग व समर्थन चाहिए। जो 19 जून को आपको वोट कमल के फूल पे वोट डालेंगे वो पहला पायदान होगा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, आपकी बेटी, आपकी बहू आपको विश्वास दिलाती है कि ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी, आप सबकी जीत होगी, पूरे समाज की जीत होगी। आपकी बहू अपनी बेटी समझकर 19 जून को मुझे भारी मतों से विजय दिलाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमारी जो यहाँ चेयरमैन की कैंडिडेट सुरभित, तो हम उसके पक्ष में आज चुनाव प्रचार करने के लिए मेरी ड्यूटी थी यहाँ, तो मैं आज आया और जितना मैंने देखा है उसमें मुझे लग रहा है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर है यहाँ और सुरभित बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। सुरजेवाला बात बात पर कहते हैं कि भाजपा का हाईकमान जो है सुरभिगरज के प्रचार में जो आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाईकमान तो आएगा ही भाई, हमारा परिवार अगर चुनाव लड़ रहा तो कौन आएगा, हम ही तो आएंगे ना जी। हमारे लिए पार्टी एक परिवार की तरह है। मान लीजिए कल तक तो सुरभि गर्ग को नहीं जानता था, तो आज हमारी बिटिया यार चुनाव लड़ रही तो हमारी पार्टी कार्यकर्ता है, तो निश्चित तौर से सारे के सारे लोग उसके चुनाव में आए हैं और हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, हमारा परिवार है एक, तो उसके लिए काम करते हैं। कांग्रेस में तो इस प्रकार का कल्चर नहीं है ना जी, कांग्रेस में तो एक ही पार्टी में कई पार्टियाँ हैं। अगर वो हुड्डा साहब का खड़ा है तो सुरजेवाला नहीं जानेंगे, अगर सुरजेवाला का खड़ा है तो किरण चौधरी नहीं जानेगी, किरण चौधरी का खड़ा है तो शैलजा नहीं जानेगी। यहाँ तो निरा मामला है ना जी, कौन किसके में जाएगा कैंसर में सुरजे वाले के सिवा और कोई कांग्रेस का कोई लीडर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वही तो मैंने बताया दिया ना, वहाँ एक परिवार नहीं है, वहाँ तो हर आदमी अपने आप में एक पार्टी है, लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी पार्टी है, हम उसके कार्यकर्ता हैं।